अच्छा बढ़िया किए। सुनो सुनो उठा की ना मेरे थे अमा 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 कुछ है हां तत्ते बड़ी मेरे पचिन बैठू छे खीर बनो हम की में सुनो की ना बोलो मेरे थे सुनो सुनो एक थे थे मेरे सुनो चले नहीं गए छे हां अब कह के सार में जीव लो सुनो 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 टिक जा सुनो उठ सुनो कोला नाती नाम मेरो हां अब की भगवान मेरी ना बदल में थे ये ले गए सोनू सोनू भगवान सोनू दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसमें काफी सारे जानवर और काफी सारे लोग उसमें मारे गए थे। इसमें हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे मुंबई में टोटल 50 संस्थाएं हैं, अगर हर संस्था दो दो बच्चे की पढ़ाई का खर्च करे तो हम बच्चों को नया जीवन दे सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारे बुजुर्ग गांव में अकेले रहते हैं उनके लिए जब भी हम गांव में जाएं तो ठंडे कंबल दवाइयां वो सब लेके जाएं तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर, सिलाई पापड़ बनाना या ऐसे कुछ करके हम वहां की महिलाओं को मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से हम बस एक ही कहना चाहते हैं, उत्तराखंड, आप लोग भी बोलिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहादुर दादा का, पेशा का, पेशा। और आपका तो खासकर इसलिए देता हूँ कि दान तो अलग चीज है, सहायता अलग चीज है। मैडम ने जो दान दिया है शायद ही कोई दे सकता हो, वो है एक व्यक्ति का दान, यानी जगजीवन कन्याल जिसका दान आपने दिया है। हर मर्ज की दवा जगजीवन कन्याल, हर महफिल की रौनक जगजीवन कन्याल। जगू कहीं सुन रहा तो एक बार आ दे यार, जगू कहकर पेट पेड़ हो, जगू खोरमणा हो, जगू नवान हो, जग्गू बरसी हो, जग्गू कैसे चैचन जग्गू। मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा, दो शब्द शॉर्ट में, दो दो शब्द प्लीज सब लोग बोल देंगे, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री जो कि अनमोल प्रोडक्शन ने तैयार करी है, सच्ची वहीं पर जहां हुई वहीं क्या पता वो देखेंगे, उसके बाद दो मिनट का मौन श्रद्धांजलि करेंगे, फिर कार्यक्रम थोड़ा अलग रूप में जाएगा। मैं बहादुर दास से सर्वप्रथम रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज दादा दो शब्द। देवभूमि लोक कला मंच उद्गम मुंबई द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड तीर्थ साक्षनम, आज यहाँ पर कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के, उत्तराखंड में आए हुए आपदा पे है, वहाँ पर जो जिनके जाने गए हैं और जो आज हैं बचे हैं, जिनके घर व्यस्त व्यस्त हो गए हैं, बच्चे इधर उधर हो गए, जानवर मर गए हैं, उनको एक सहायता करने के लिए किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वहाँ पर जो जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अपने शिवसेना परिवार की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत परिवार बिष्ट परिवार की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। धन्यवाद, हरिओम। थैंक यू दादा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ तुषा जी से, प्लीज दो शब्द कह के, और ये जो ब्यूटी एंड बीस्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज से एक चैनल है यूट्यूब में, उसके बारे में भी बताएंगे प्लीज। नमस्कार, सॉरी पहले मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं है, मैं हर बार ही कहती हूँ,
वेल जो अशोक माल अंकल एंड पहले दीवान सौन जी कह रहे थे, मैं उस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि जो जो आपदा में जिनकी डेथ हुई है या जिन्होंने फेस किया है वो चीज़, वो उनकी फॉल्ट नहीं है। मुझे ये फील होता है कि जो हम वहाँ से बाहर निकल के जो सिटी में आके बस रहे हैं, ये हमारी ज़्यादा फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही घरों में हैं, हम हैं जो कूड़ा फेंकते हैं, हम रिलीजियस स्थानों को, हम तीर्थ स्थानों को हनीमून प्लेसेस बना देते हैं, पेड़ काट रहे हैं, हम सिटी में सिटी बना रहे हैं उसको, कंक्रीट जंगल बना रहे हैं। तो आई थिंक कि ये हमारी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो सिटी में आके बस रहे वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमने जो बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस चीज़ पे वी शुड टेक अ स्टैंड। एंड हमारे से अगर शुरुआत होती है तो वी शुड, दे आर बीइंग द सफरर, हम सफरर नहीं हैं, वो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं हमारी वजह से। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट जब हम लोग को ये मौका मिला है कि हम सिटी लाइफ में रह सकते हैं, एजुकेशन हमको इतनी अच्छी मिल रही है, तो हम उस एजुकेशन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। एंड जैसे हम कहते हैं कि कूड़ा मत फेंको, गंदगी मत मचाओ, सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कैलामिटी। सो प्लीज़ मेरी एक बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बट हाँ जी, यही मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा नेचर को समझे एंड नेचर लवर बने, प्लीज गंदगी ना मचाए। थैंक यू सो मच। हाँ, एंड ब्यूटी एंड बीस्ट, मैं त्रिशा भट्ट, तवीश पंत है, हमारा आज एक ब्यूटी एंड बीस्ट करके यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में ही आपको बता देंगे। नमस्ते, मेरा नाम तवीश है, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। हमने एक चैनल ओपन किया है जिसका नाम है ब्यूटी एंड बीस्ट। ये एक कपल वाला चैनल है जिसमें एक लड़का की भी आवाज़ समाज में मैटर करेगी और एक लड़की की आवाज़ भी मैटर करेगी। हम लोग यूथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, जो लोग यूथ और पेरेंट्स का कनेक्शन नहीं हो पाता, कितने बार यूथ और सोशल लोगों का आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता और लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, लोग गलत समझते हैं, कितने बार कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, तो उन लोगों के मतलब यूथ की आवाज़ बनने के लिए हम लोग एज अ चैनल बाहर आए हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। मैं सभी श्रोताओं से, सभी अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी जितना भी उनसे बन पड़े इस आपदा परिवार के लिए मदद करने के, एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे जितना भी बन पड़े कृपा करके उनकी मदद करें। जिन्होंने यहाँ दान दिया, पहले दान दिया, हम तो आभारी उनके हैं ही, और जो अभी अभी आए हैं कई भाई बंधु लोग, कृपया टेबल में जाते समय दान जरूर दे देना। अब मेरी एक प्रार्थना है, अगर सब लोग दो मिनट के लिए खड़े होकर मौन रख लें। जो एक सच्ची कहानी सही वहीं की एक अभी शूट करके जो देखी हमने अगवाई को, मैं चाहता हूँ कि आए गाड़ा
के तरह।